शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। अभी जो पार्टिसिपेंट्स, उसमें एक पार्टिसिपेंट शाहिद अली असरत साहब जो आए थे शुरू में, और मैं अपने जो सीपीडीएमटी डायरेक्टर प्रोफेसर समी साहब से भी बताना चाह रहा हूँ कि हम लोगों के लिए ऑफर पेश कर रहे थे एससीईआरटी की तरफ से, जो डायरेक्टर शिशु कुमारी मैडम है। तो मेरी यही ख्वाहिश है कि डायरेक्टर साहब से एक मरतबा हम डायरेक्टर साहबा को हम मदद कर सकते हैं यूनिवर्सिटी, और इन कोलैबोरेशन विद एससीईआरटी वी कैन होल्ड मोर नंबर ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर उर्दू मीडियम, स्पेशली उर्दू मीडियम टीचर्स। इसके लिए मैं डायरेक्टर साहब को भी कह रहा हूँ ताकि वो अथॉरिटी से बात करें। और दूसरे जो पार्टिसिपेंट आए थे असगर हुसैन साहब, जो मेरे सब्जेक्ट से ताल्लुक रखते हैं बॉटनी से, तो आप फरमा रहे थे कि उर्दू मीडियम स्कूल्स का नंबर घटता जा रहा है तेलंगाना स्टेट में, स्पेशली। वो जाहिर सी बात है, क्योंकि मैं खुद उर्दू अखामती जूनियर कॉलेज में पढ़ा कर आया हूँ। मैं बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट यानी उर्दू अखामती जूनियर कॉलेज निज़ामाबाद नागाराम में पढ़ाया हूँ, उसके बाद गुंटूर में, उसके बाद कर्नूल में पढ़ाने के बाद स्टेट से यहाँ सेटल आया हूँ। उस वक्त खुद मैं खुद देखा कि उर्दू मीडियम के जितने भी स्कूल्स और कॉलेजेस थे उसका नंबर घटता जा रहा। उसकी वजूहात भी जो है हम खुद भी हैं एक तरफ से अगर देखा जाए, क्योंकि हम लोग जो है बड़े सीरियस से जो है इस चीज की जो फिक्र नहीं करते, जिस तरह से आज सीसीए पे जो फिक्र कर रहे हैं उस तरह से उर्दू मीडियम स्कूल्स और कॉलेज के लिए फिक्र नहीं करते, जिसकी वजह से जो है टीचर्स के जो है अपॉइंटमेंट्स भी जो है उर्दू मीडियम में नहीं हो पा रहे। तो जिस तरह अजहर हुसैन साहब बता रहे थे, क्या उर्दू यूनिवर्सिटी कुछ पहल कर सकती है क्या, मुझे लगता है कि इस मामले में उर्दू यूनिवर्सिटी का रोल कहीं नहीं रहेगा, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पॉलिसीज होते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट की जो पॉलिसी रहेगी उसी के ऊपर उनको फॉलो करना पड़ता है, तो शायद यूनिवर्सिटी का दखल इसमें नहीं हो पाएगा। और जैसा शाहिद मैडम जो निजामबाद से जो जूलॉजी सब्जेक्ट से तशरीफ फरमाए, मैडम का थोड़ा सा नाराजगी जाहिर किए हैं। जाहिर सी बात है कि मैं तो कहता हूं कि भले जुमा हो, हफ्ता हो, इतवार हो, टाइमिंग इज टाइमिंग। जुमा के दिन क्या होता है, जमात में जाके दो रकात फर्ज पढ़ लिए और आ गए फिर, लेकिन टाइमिंग इज टाइमिंग मैं तो कह रहा हूँ, क्योंकि अगले बार इंशाल्लाह जब भी प्रोग्राम होगा इसका ख्याल रखेंगे, पहले से ही सोचेंगे जुमा ना आए या जुमा आ भी जाए तब भी जो है हम लोग जो है नमाज तो पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, तो फर्ज नमाज अदा करके भी आ सकते हैं। लेकिन इस तरह से जैसा शाहिद मैडम जाहिर कर रहे हैं उनके जो ख्याल वो सही था, लेकिन अब उनको मौका दिया जाए कि बाद में यानी लेक्चर के बाद जो है जो जो उनके प्रॉब्लम्स हैं उनको हम अच्छी तरह से सुने। और आखिर में मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि अपने यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ साइंसेस जो है वीडियो लेसन जो है बहुत सारे डेवलप कर चुके हैं, बॉटनी, जुआलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और एनवायरमेंटल स्टडीज में भी, माहौलियाती मुताला, माहौलियाती साइंस में भी कई सारे वीडियोस हैं। मैं आप तमाम से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग देख सकते हैं। और आखिर में बोदान से जो तशरीफ फरमाए साहब भी जो है बता रहे थे कि टेक्नोलॉजी यूसेज के साथ साथ हमें अगर लेक्चर होगा तो बहुत फायदेमंद रहेगा। लेकिन एक मैं अपनी दिल की बात कहना चाह रहा हूँ अपने डायरेक्टर साहब को कि इंशाल्लाह अगला जो वर्कशॉप अगर मुनक्द होगा यूनिवर्सिटी में सीपीडीएमटी में, तो मैं चाह रहा हूं कि कुछ एक्सपेरिमेंटल यानी ऐसा है कि लैब खुद इधर आ जाए या इधर से हम लोग थ्योरेटिकल बताते हुए लैब की तरफ चले, ये सही रहेगा, वरना थ्योरेटिकल थ्योरेटिकल ही रहेगा। क्योंकि मैं खुद भी चाह रहा था कि मैं थोड़ा सा अपने सब्जेक्ट्स के जो है हैंड्स ऑन ट्रेनिंग और मशरूम कल्चर बताना चाह रहा हूं, लेकिन उसके लिए जो है सारा का सारा कंपोस्ट मतलब मटेरियल यहां पर नहीं ला पाएंगे, तो इस तरह की कई सारे दुश्वारियां हैं। लेकिन अगर अगर प्रोग्राम इस तरह के वर्कशॉप एटलीस्ट टू डेज प्रोग्राम हो, एक सब्जेक्ट वाइज हो तो सही रहेगा, क्योंकि इसमें बॉटनी, जुआलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, एनवायरमेंट, इस तरह से या चार पांच सब्जेक्ट्स को क्लब करके अगर होगा तो आइंदा तो बहुत फायदा पहुंचेगा। बस इतना कहकर मैं खत्म कर रहा हूँ। शुक्रिया, थैंक यू।